शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या हो रहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा था। क्लियर? और उसके कुछ लिमिटेशंस थे। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट? इसमें क्या है, कोई भी अगर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लेते हैं क्या CO2 बन रहा है। ठीक है, तो CO2 अगर बनेगा तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो प्रोपोर्शन है वो ऑलवेज फिक्स होंगे। मींस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड इज इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ऑलवेज। ये इसका डेफिनेशन होता है। बाय मास लेना है, क्या लेना है, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन का यहाँ अगर मास देखा जाए तो एक कार्बन वन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए टोटल 32 लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों जो है वो 4 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3:8। अगर इस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए किसको, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। या फिर इस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो भी क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, ये तो वही बात इन दोनों को मिलाने की। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन हो, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए CaCO3 को हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CaO+CO2। क्लियर? यहां से भी क्या मिल रहा है, CO2 मिलेगा। अब इस CO2 का भी प्रोपोर्शन क्या होगा, यही होगा बाय मास। मतलब क्या कि आइदर ये प्रोड्यूस हो रहा हो खुद ब खुद किसी रिएक्शन में या फिर हम उसको ऑब्टेन कर रहे हो। क्लियर? तो इनका कंपाउंड अगर एक है तो प्रोपोर्शन ऑलवेज सेम। वैसे वाटर है, किसी भी सोर्स से वाटर बनाया जाए, ठीक है, कोई भी हम रिएक्शन लगाकर वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन 2 तो 2 लिख दिए, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास 2:2 रेशियो 16, और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1:8। मींस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज किस रेशियो में फाइंड होगा, 1:8 में होगा। वैसे ही अगर ग्लूकोज लिया जाए C6H12O6, तो यहाँ क्या देखा जा रहा है, कार्बन 6 तो 72:12:96। अब ये फिर से क्या हो रहा है, 12 से सब डिविजिबल है, 6:1:8। इस रेशियो में अगर हम क्या मिलाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात, क्या डिस्कशन हो रहा है? ओके, अगर NaCl कॉमन सॉल्ट की बात करें, NaCl, तब क्या होगा, NaCl में क्या रेशियो दिख रहा है, 23:35.5। ये सोडियम का एक, क्लोरीन का मास, दोनों एक एक एटम एक एक का मास, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यही रेशियो मिलेगा। और ये सब कैसे लिखा गया है, बाय मास। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिक्स रेशियो होते हैं वो बाय मास होगा। क्लियर? ओके, अब इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशन आ जाता है। मींस ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, क्या क्या लिमिटेशन है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर लिमिटेशन के लिए आइसोटॉप्स में काम नहीं करेगा। मतलब अगर कोई आइसोटॉप्स है, लिमिटेशन नॉट इन
अगर आइसोटॉप का केस आइसोटॉप बोलते हैं क्या वैसा कोई सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा उसके लिए ये चीज काम नहीं करेगा। जैसे क्या H2O तो हम बना रहे थे, ठीक है, यहाँ 1:8 आ भी गया, लेकिन और एक H2O का फॉर्म होता है उसको D2O बोलते हैं, इट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर में यहाँ डी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है, हाइड्रोजन तीन आइसोटॉप में मिलता है, हाइड्रोजन 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 1 1 1, लेकिन 1 2 3 इसकी बात की गई है यहाँ डी, इसको डी बोलते हैं, इसको सिंपल एच बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं टी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इससे बन रहा है वाटर तो मास कितना, एक हाइड्रोजन का 2, तो 2 हाइड्रोजन का 4 और इसका 16, अब रेशियो क्या मिलेगा, अब रेशियो मिलेगा 1:4। तो जैसे ही ये क्या आइसोटॉप यूज होगा लिमिटेशन हो गया, मीन्स यहाँ फिक्स प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे वाटर है तो वाटर का 1:8 किसके साथ, ओनली इन केस ऑफ H2O, नॉट इन केस ऑफ D2O। दूसरा लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन इज इन केस ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, सॉलिड स्टेट में आता है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, जैसे अगर हमारे पास F, एक सेकेंड यहां मैं टॉपिक लिख दूं, है ना, दैट इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या देखते हैं, अगर हम लिख रहे हैं FeU तो ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, फॉर्मूला एक F और एक O यूज हो रहा है। यहां अगर रेशियो भी देखा जाए तो इसके लिए 56:32, ठीक है, दोनों का हम मास लिख दिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, कभी कभी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या बनता है, ये बन जाता है Fe.9801, इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा। इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, ये डिटेल में आपको क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन ये यहाँ इस लॉ के लिमिटेशन में आ जाता है। तो अब जैसे ही ये चीज बनता हुआ दिख रहा है, अब ये मास वैलिड होगा क्या, पहले 1 था तो एक ही का मास ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया 0.98 है, तो हम 56 तो लिखेंगे इंटू 0.98 लिख देंगे, और रेशियो ये 1 है तो ये 32, इतना ही लिखना होगा, है ना। तो अब ये दोनों रेशियो क्या, कंपाउंड सेम कंपाउंड, ये भी आयरन का ऑक्साइड, ये भी आयरन का ऑक्साइड है, लेकिन क्या हो रहा है, रेशियो आपस में सेम नहीं आ रहा है, तो यहां पर ये वैलिड नहीं होगा। थर्ड है इन केस ऑफ फंक्शनल आइसो मर्स, आइसोमर्स आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक है क्लास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। वहां क्या आता है, वहां आइसोटॉप आइसोमर आते हैं, आइसोमर का मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर अगर कहें तो C2H5OH इथेनॉल एल्कोहल हो गया, ये आइसोमर है CH3O CH3 का, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, यहाँ भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन इधर, 3 3 6 ये 6 हो गया, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या बन रहा है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है। लेकिन अगर रेशियो भी देखा जाए तो कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 1, यहां भी सेम, तो रेशियो तो यही दिखेगा ना, ये रेशियो क्या दिखेगा 24:6:32, रेशियो इसका भी है इसका भी है, बट कंपाउंड क्या हो रहा है, ये अल्कोहल बन रहा है और ये कीटोन बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम, दोनों के लिए ये है कंपाउंड, दूसरा रेशियो भी सेम, तो हमारे पास 3 ऐसे कंडीशन है जहां पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम
नहीं करेगा, वो कहाँ कहाँ नहीं करेगा, नॉट इन केस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप के केस में काम नहीं करेगा, नॉट इन केस ऑफ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड एंड इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर, यहाँ पर इनके लिमिटेशन हो जाते हैं। समझ में आई बात? ओके। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो समझने में, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इसको एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, वहाँ भी रेफर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं, ताकि नए नए वीडियो जो भी हो टॉपिक पर वो आपको मिलते रहे। क्लियर? थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। और इसको आप क्या स्टार मार्क करके रखिएगा, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होना है, तो मल्टीपल नाम ही लिखा गया है, इसके पहले फिक्स प्रोपोर्शन था, अभी यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। मल्टीपल एग्जाम्पल पहले देते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। एक बार कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के CO2 बनाता है, ठीक है। दूसरी बार कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के CO बनाता है। दोनों रिएक्शन क्या, कार्बन ऑक्सीजन क्या मिल रहा होगा। अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बैलेंस दिख रहा होगा, एक कार्बन एक, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 इधर 2, ऐसा काम कर लिया गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मास लगा देते हैं दोनों का, इसके लिए मास 12 लिखा जाएगा, तो ये 32 लिखा जाएगा, 2 है, ये दो कार्बन है, तो ये 24, ये तो उतना ही 32 रहेगा, क्लियर। इसके मास का हमको काम नहीं, ठीक है। अब देखो, ये 32 ग्राम 12 ग्राम से, ये 32 ग्राम 24 ग्राम से, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का मास क्या होगा, मल्टीपल होगा। वो कैसा मल्टीपल होगा, इन सिंपल होल नंबर में होगा। अब अगर इन दोनों के लिए बोला जाए तो 12:24, ये 1:2, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द मासेस ऑफ वन व्हिच रिएक्ट्स विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर इज ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर मल्टीपल, ठीक है। क्या सिंपल होल नंबर मल्टीपल आएगा, यहाँ पर हमने मास किसका फिक्स कर दिया, यहाँ पर हमने मास फिक्स कर दिया ऑक्सीजन का, और जैसे ही ऑक्सीजन का मास फिक्स किया तो हाइड्रोकार्बन एक बार 12 और एक बार 24। अब इसका रेशियो देख लेना है, कार्बन का क्या रेशियो है इन दोनों में, तो एक बार 12 था तो ये 1:2 आया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में है, तो नाइट्रोजन का क्या केस है, नाइट्रोजन N2+O2, ये N2O बनाता है, फिर लेते हैं नाइट्रोजन N2+O2, ये NO बनाता है, फिर लेते हैं N2+O2, ये N2O3 बनाता है, फिर N2+O2 ये N2O4 बनाएगा। समझ में आ रही बात? और फिफ्थ ऑक्साइड N2+O2 N2O5 बनाएगा। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें थोड़ा रेशियो देख लिया जाए, क्या रेशियो आएगा, क्लियर। तो देखते हैं, नाइट्रोजन सब में 28, एक नाइट्रोजन 14 तो दो का 28, ये फिक्स कर देते हैं, 28 यू या 28 ग्राम कुछ भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ भी, ओके। अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ दो, तो इधर एक, क्या करते हैं इसको हाफ कर देते हैं,
यहाँ दो, यहाँ दो, इसको दो कर लेते हैं, ये दो है, ठीक है, ये दो है, ये तीन है, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर 3/2 लगा देते हैं, ऐसे भी बैलेंसिंग होता है ना, तो ये इस तरह से बैलेंस हो रहा है, यहाँ n2 2, ये 2, ये 4 है, तो इसके लिए इधर 2 लगा देते हैं, 4 हो गया, n2 n2, ये 2 बट ये 5, क्या करना होगा, यहाँ 5/2 लगा देते हैं, पांचों इक्वेशन बैलेंस हो गया, इसमें मास फिक्स किसका रखा गया, 28u 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 28u, नाइट्रोजन का मास फिक्स है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन के मास की, यहाँ एक मॉलिक्यूल का 32 बट ये हाफ है, तो कितना मास लेना होगा, 16u, वन पूरा का पूरा, तो इट इज 32u, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल, 16 थ्री टाइम्स में, तो 16 3 48u, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन गए, तो दो मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा, एक मॉलिक्यूल O2, एक O2 का 32, तो दो के लिए 64u, 5 है 80, कुछ समझ में आ रहा होगा, एक का मास हमने फिक्स कर लिया, तो दूसरे का मास देखा जाए, एक बार कितना, 16:32:48:64:80, यही दिख रहा है इनका, इनका आपस में देखना है, ये O2 O2 O2, ये सब O2, जब हम एक बार N2 को फिक्स कर चुके हैं, तो क्या दिखेगा, 1:2:3:4:5, ये एक सिंपल मल्टीपल में आ गए, ठीक है। ऐसे ही अगर बोला जाए नाइट्रोजन का क्या होगा, तो जो ये आपस में मल्टीपल बना है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये किसके केस के था, इट इज इन द केस ऑफ O2, ये O2 का रेशियो था, तो नाइट्रोजन का क्या रेशियो आएगा, हेंस इन केस ऑफ N2, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब 5:4:3:2:1, इस तरह के अगर ऑक्साइड बनाते हैं, तो मास फिक्स कर लेना है अब किसका, ऑक्सीजन का, तो इनका क्या रेशियो आएगा, ये 5 रेशियो होगा, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, कब, ये जब ऑक्सीजन के मास को हम फिक्स कर, अभी किसका मास फिक्स किए थे, अभी किए थे नाइट्रोजन का, तो ये रेशियो मिला था, जो ये लिखा है, इट इज इन द केस ऑफ O2, ये हेंस इन द केस ऑफ N2 ये रेशियो मिलेगा, जैसे CO2 वाला मामला था, वो काफी सिंपल, दो ही इक्वेशन थे, उनको देखते हैं, अगर CO2 लेते हैं, ये रहा CO2, ये कैसे बना था, C प्लस O2, एक बार CO2 और दूसरी बार C प्लस O2, CO बनाया गया था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर इसको बैलेंसिंग के लिए इधर 2 तो ये इधर 2, यही क्वेश्चन था, अभी इसके पहले जो एग्जांपल आया है, इसमें क्या है, इसमें मास ये 24, ये 12, कुछ इस तरह से, अभी देखते हैं इसको, है ना, ये 32, ये 32, क्लियर, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, ये 24, ये 12, क्लियर, किसका मास फिक्स किया गया, ऑक्सीजन का मास फिक्स है, तो इन दोनों का क्या रेशियो आ रहा है, 1:2, अब बोला जाए ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा इन्हीं दोनों कंपाउंड में, तो सीधे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2:1 करके देखें इसको, ठीक है, देखते हैं, जैसे ही इसको हम इसके मास को फिक्स कर दिया जाए, हम कैसे फिक्स किया जाए, ये रेशियो आ गया इन केस ऑफ कार्बन, अब इन सबको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी ये काम है, वो देखिएगा आप, है ना, हम अब मास किसका फिक्स रखेंगे, अब मास कार्बन के मास को फिक्स रखना, मतलब कार्बन हर केस में एक ही रहेगा, क्लियर, एक कार्बन का मतलब ये 12, ये 12, ये इक्वेशन तो बैलेंस है, तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है, ऑक्सीजन यहाँ 32 लग रहा है,
यहाँ कार्बन 12, ये तो फिक्स, इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 वहां ऑक्सीजन 1, तो इसको हम अब एक कर लेंगे। ये भी इक्वेशन बैलेंस, जैसे ही बैलेंस होगा, अब हाफ हो गया, हाफ का मास 16, रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 32:16, ये 2:1, समझ में आई बात, क्या काम हो रहा है। अगर हम एक का मास फिक्स करें तो दूसरे का रेशियो ये उसको रिवर्स कर देंगे तो पहले का रेशियो आता दिखेगा। वैसा ही ये 5 था, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, ये चीज समझ लेंगे छोटे से, है ना। ओके, तो ये था ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज होता है, ये नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको, तो अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ लॉ की, इट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स के दो दो का कंपाउंड बनाएंगे। तीन एलिमेंट को हम उठाते हैं, मान लेते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तीन अलग अलग कंपाउंड्स एलिमेंट हैं, एक बार इन दोनों से कंपाउंड, एक बार इन दोनों से, और एक बार इन दोनों से कंपाउंड बनाया जाए। हम क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन मिला करके CH4 बनाते हैं, मिथेन है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला करके H2O बनाते हैं, और कार्बन ऑक्सीजन मिला करके CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो अब इन सब में इनका रेशियो देख लिया जाए क्या है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों में क्या रेशियो होता है, 1:8 का। क्लियर, यहां अगर रेशियो देखा जाए हाइड्रोजन और कार्बन में, तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, और 12:4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3:1, कुछ इस तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखा जाए कि यहाँ CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर CO2 में C का इधर क्या प्रोपोर्शन है, 3, तो हम सीधे यहाँ क्या लिख देंगे, 3। ऑक्सीजन का यहाँ क्या प्रोपोर्शन है, 8, तो हम क्या लिख देंगे, 8। हो गया कंप्लीट, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आई बात, क्या हो रहा है यहाँ, हो रहा है कि इन दोनों के बीच रेशियो देख लेना है, वो क्या होगा, ये सब आपस में रेसिप्रोकल, जैसे ऑक्सीजन क्या है, 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा, हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, कार्बन यहाँ 3 तो ये यहाँ भी 3। ठीक है, अब इसमें होता है कि बहुत लिमिटेड ही ऐसे कंपाउंड है जिनके लिए काम करेगा, जैसे ये कार्बन, इसी की जगह C2H5 ले लेते हैं या C2H6 ले लिया जाए, वो काम नहीं करेगा। इसे ध्यान में रखकर चलना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आता है। ठीक है, आपको मेजर क्या, कौन कौन से लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो इन पूरे लेक्चर को आप लोग फिर से देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो रिवाइंड करके देखिएगा, और ज़्यादा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ भी सकते हैं वहाँ। क्लियर, मैं फिर से डाउट पर एक और वीडियो बना दूंगा। क्लियर, अब ये जो लॉ भी पढ़े हैं इनके क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है।